भारतीय जनता पार्टी के महा ज्वाइनिंग अभियान में कल तक 1 लाख लोगों की ज्वाइनिंग हो चुकी है और आज भी 1 लाख से ऊपर लोग भाजपा ज्वाइन करेंगे। भाजपा का स्थापना दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। 64,000 बूथों पर एक साथ ज्वाइनिंग हो रही है। हर बूथ पर अगर 2 लोगों की ज्वाइनिंग भी होती है तो यहाँ संख्या 1.5 लाख से ऊपर हो जाएगी। ये कहना है बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के प्रभारी और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का, जहां उन्होंने न्यूज वर्ल्ड से खास बातचीत में कांग्रेस पार्टी के बिखरने की बात भी कही। भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कमेटी के प्रभारी नरोत्तम मिश्रा मौजूद है, ये सीधे बात करते हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी का महा ज्वाइनिंग अभियान चल रहा है, क्या लक्ष्य रखा आप लोगों ने? अभी तक कितनी ज्वाइनिंग हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी? कल तक 1 लाख हो चुकी थी, आज में 1 लाख हो जाएगी, ऐसे 2 लाख से ऊपर निकलने वाले। लोकसभा चुनाव में किस तरह देखते हैं आप, क्या लक्ष्य आप लोगों का? 29 का लक्ष्य है, 29 को ही पूरा करेंगे। और आज भाजपा का 45वां स्थापना दिवस है, किस तरह मनाया जाएगा प्रदेश में? आपने स्वयं देखा होगा, उत्साह उमंग के साथ मनाया जा रहा है। 64,000 बूथों पर एक साथ ज्वाइनिंग हो रही है, 2-2 भी हुए तो 1.5 लाख से ऊपर पहुँच रहे हैं। कमलनाथ की करीबी ने ज्वाइनिंग की, दिग्विजय सिंह करीबी भारतीय जनता पार्टी, ये इनके कुंदे उकस रहे हैं। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि उनको लालच दिया जा रहा है, डराया जा रहा है। और क्या कहेगी कांग्रेस? कांग्रेस ऐसे ही कहती रहे और बिखरती रहे। तो साफ तौर पर कहना है नरोत्तम मिश्रा का कि कांग्रेस इस तरह से कहती रहे और बिखरती रहे, और भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और रीति है उसको देख के जो कांग्रेसी है वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन शाजिब के साथ दीपक सिंह।